हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज है हम लोग बीएम के साथ। बीएम में ये हमारा थर्ड लेसन है। हम लोग एक्चुअली में सेकंड एंड जो हमारा थर्ड लेसन है प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, ये हम लोग साइमल्टेनियसली कंप्लीट करेंगे बिकॉज लेसन बहुत बड़ा है और दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। जैसे आप लोग को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग हमारा स्टार्ट हम लोग कर चुके एंड सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग इंटरेस्ट एंड एन्युटी का लेसन है, उसमें हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट का देखेंगे। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला मालूम है, एस आई इक्वल्स टू पी विच इज़ प्रिंसिपल इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स या इंटू आई विच इज़ इंटरेस्ट या फिर वेट अपॉन 100 भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते क्या बोला है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 ऑन रुपीज 20,000 फॉर 3.5 ईयर्स एट 6% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दे हैव गिवन टू अस विच इज रुपीज 20,000। ओके, व्हाट एल्स दे हैव गिवन एंड नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ है, 3.5 ईयर्स भी हम लोग ले सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। एंड आई 0.06 बिकॉज 6% दिया हुआ है, इसको मैंने, ये 6% हमारा वेट है, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 0.06। ठीक है, नाउ फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आई। सो पी के 20,000 इंटू एन 3.5 इंटू 0.06। सो वी कैन सॉल्व इट। हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कितना होता है पॉइंट वाला, 20,000 इंटू 0.21। नाउ इसको भी हम लोग 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। इंटू 20,000 हमारा आंसर क्या है, 4,200 रुपीज़। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 4,200। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। नाउ मूविंग टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ रुपीज 50,000 विल अमाउंट टू रुपीज 60,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा, हम लोग को ना इसमें नंबर ऑफ ईयर्स वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग को उस हिसाब से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग को, यहाँ पर अगर आप लोग देख सको ना तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। कैसे, जो अभी मैं 50 रुपीज़ डिपॉजिट करूँगी और कितने महीने के बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद मेरे को 60,000 मिलेगा, तो 60,000 मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है इसमें। ओके, सो एस आई इक्वल्स टू 60,000 माइनस 50,000। सो हियर वी हैव रुपीज 10,000 एज अवर एस आई। और हम लोग क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है विच इज 0.1। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो जैसे और कुछ हम लोग को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और हाँ, और प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज़ 50,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। सो लिखते हैं, सो फॉर्मूला क्या है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू इंटू वॉट इंटू एन इंटू आई। सो हमारे पास एस आई दिया हुआ है विच इज़ 10,000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 10,000 है, पी कितना है हमारा 50,000 है, इंटू एन बिकॉज एन हम लोग को नहीं दिया, हमको फाइंड आउट करने को, इंटू आई विच इज 0.1। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी क्या हो जाएगा हमारा, एन इक्वल्स टू, सो यह अब हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, 10,000 हमारा ऊपर आ जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। एंड इफ अगर आप 50,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको देखो क्या मिलता है, 5,000 अमाउंट मिलता है। सो ये मैं 5,000 लिख दिया है। अब नाउ
सिंपल है, 5 1 5, 5 2 10, सो नंबर ऑफ इयर्स हमारे कितने, 2 years, देयरफॉर एन इक्वल्स टू 2 years. सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है. हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इधर थर्ड क्वेश्चन के साथ, हमारा फर्स्ट सेकेंड हम लोगों ने कम्प्लीट किया, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 4 years, 4 साल के लिए दिया हुआ एट 7.7% पर एनम इज मोर देन, ये ज़्यादा है किसके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, फॉर 2.5 years एट द सेम रेट ऑफ रेट बाय 8.40, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट. अब हम लोग क्या बोला हुआ है, लेट्स सी, हम लोग लेट प्रिंसी, लेट क्या अज्यूम करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बी एक्स, ठीक है, या फिर पी लेते, प्रिंसिपल अमाउंट को पी लेते, लेट पी बी दी प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, ये हमारा एक ये हुआ. उसके बाद क्या बोला है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 7%, और अभी हमारे पास दो है, क्या दो है, ईयर्स हमारे पास दो है, एक टू, एक 4 ईयर्स का, एक 2.5 ईयर्स का है. सो हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे. हम लोग क्या बोला है, हम लोग एक एक करके लिखते हैं. पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या बोला हुआ है, फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, पी एज इट इज़ हम लोग लेंगे इंटू एन आता है, एन विच इज़ यहाँ पे 4 लेंगे, इंटू 0.07 लेते आई, ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ, इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आई, ओके. सो उसी फॉर्मूला से चले हम लोग, ये मैं लिखती हूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2, सेकेंड वाला इसका भी प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, ये 2.5 रहेगा, और ये रहेगा 0.07, ओके. बट अभी सेकेंड इसमें क्या बोला है, वेट मोर है ये, मतलब एस क्या बोलो, सिंपल इंटरेस्ट वन इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट 2 बाय 8.40, ओके. सो हम लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे कैसे, therefore p into 4 into 0.07 minus p into 2.5 into 0.07 equal to क्या 8.40, okay. ये दोनों p को हम लोग कॉमन, p वन जा p ऐसा हो जाएगा, ये p सिंगल आ जाएगा, ओके. अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 0.0 ये कितना होता है, पहले ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके. सो 4 इंटू 2.5 कितना होता है, 10, सो इंटू 10 हो गया ये, बट हम लोग को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोला, राइट, तो कैसे करेंगे, सो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको करते पूरा, 0.07 इंटू 4, 0.28 इंटू, इसको जितने ब्रैकेट में बाहर रहते हैं, इंटू 0.28 माइनस किसके साथ बोला हम लोग को, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.07 इंटू 2.5, 0.175 इक्वल्स टू 8.40, इसको भी माइनस करके इसका अमाउंट निकालते हैं. सो ये मैंने अभी इसको माइनस कर दिया है ये दोनों को, तो इट इज़ नाउ, मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.105 इंटू 8.40. अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये डिवाइड पे चला जाएगा, सो क्या आंसर आएगा, देयरफॉर पी इक्वल्स टू 8.40 डिवाइड बाय 0.105 इक्वल्स टू, सो यर यू कैन सी मैं डिवाइड किया, मेरे को आंसर आया 8,000, ओके. देयरफॉर प्रिंसिपल अमाउंट इज
प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 8,000. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद अवर 3 क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग 6 क्वेश्चन देखने वाले टोटल. तो अभी हमने 3 कंप्लीट किया है, 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.